Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. का जो बीटीएडी का सार डिस्ट्रिक्ट हाई सिक्स शेड्यूल एरिया का उसी का जो माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन उनका बैनर में आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है और उन लोग का मांग है बहुत कुछ डिमांड है। मेन डिमांड तो तीन है, एक तो है जो एनआरसी जिस हिसाब से आज एनआरसी का नाम पे जो माइनॉरिटी लोगों का ऊपर भारतीय नागरिक का ऊपर जो आज हरासमेंट हो रहा है और अभी ये एनआरसी फाइनल हो चुका है लेकिन ये एनआरसी को रद्द करके फिर दोबारा एनआरसी करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है उसका खिलाफ में ये है। दूसरा ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो लाया है उससे उसके खिलाफ में ये प्रोटेस्ट है क्योंकि वो सिटीजनशिप बिल हमारा देश का संविधान में और जो 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है वहाँ में धर्म का नाम में सिटीजनशिप देने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है लेकिन ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के तहत ये लोग धर्म का नाम में लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए चाहता है उसको हम खिलाफ करता है। और तीसरा बात है ये एबीएमसी का एक बड़े लीडर ये लफीकुल इस्लाम आज 3 साल पहले उनको मर्डर किया है किसी मिस्क्रियन ने लेकिन उसको जो मर्डर है वो पॉलिटिकल मर्डर है। उसके उस टाइम से ये लोग उसका दोषी को पकड़ा जाने के लिए दोषी को शास्ति देने के लिए ये लोग डिमांड कर रहा है। गवर्नमेंट कुछ किया नहीं, बाद में सीबीआई इंक्वायरी दिया है लेकिन ये सीबीआई इंक्वायरी भी अभी ये पॉलिटिकल प्रेशर में चल रहा है। जो असली कल्प्रिट है उसको अभी तक ये लोग नहीं पकड़ाया है तो इसीलिए ये धरना ये लोग किया है। तो आप यहाँ पे समर्थन करने आए हुए हैं और काफ़ी दिनों से इन चीज़ों की मांग उठी तो क्या लग रहा है जैसे आप एक एमपी भी वहाँ के हैं ना? ये हम समर्थन इसीलिए किया है इनका जो दिमाग है हमारा कांग्रेस पार्टी का ये हम भी कांग्रेस पार्टी तो यही पहले कांग्रेस भी थी सर जैसे अब बीजेपी आ गई उससे पहले कांग्रेस का भी राज रहा उस टाइम पे क्यों नहीं हुआ ये कहाँ असम में? हाँ जी ना कांग्रेस का टाइम में ये सिटीजनशिप बिल कांग्रेस नहीं लाया था ना सिटीजनशिप बिल कांग्रेस नहीं लाया था बीजेपी लेके आई बीजेपी लाया तो कांग्रेस का टाइम कैसे होगा और एनआरसी कांग्रेस ने किया 80% वर्क और ये जो लफीकुल इस्लाम का जो मर्डर है ये कांग्रेस का जमाना में नहीं हुआ है ये बीजेपी का राज में हुआ है। सर क्या नाम आपका? जी मैं नजरुल इस्लाम मैं असम बीटीसी से हूँ। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन शॉर्टली एबीएमसी। तो हुआ आप असम से आए हुए और काफी लोग आते हैं अपनी आवाज उठाते हैं तो आज किस मुद्दों को लेकर यहाँ पे आए किस चीज की मांग आपको? देखिए असम के बीटीसी ऑटोनोमस काउंसिल में एबीएमसी नाम के एक सोशल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट मार्टियर लफीकुल इस्लाम अहमद जी को दिन दहाड़े कोकराझार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2 साल बीत गए अभी तक मर्डरर को पकड़ा नहीं। तो हमारा ये डिमांड है जो भी कल्प्रिट्स उनको मारा था गोली मारी थी उनको पकड़ा जाए उनको सजा दी जाए। दूसरी बात यह है हमारे असम में असम एकॉर्ड के हिसाब से एनआरसी हो गया था एनआरसी फाइनल पब्लिकेशन भी हो गया था उसमें 3.11 करोड़ लोग इंक्लूड हुए हैं 19.43 लाख लोग एनआरसी से छूट गया है। तो एनआरसी की एसओपी के नियम से तो जो लोग छूट गया है उनको एप्टीकोर्ट में जाके अपना सिटीजनशिप प्रूव करना है। तो हमारा यह डिमांड है जो लोग फाइनल एनआरसी से छूट गया है उनको रजिस्ट्रेशन कॉपी दी जाए और उनको एप्टीकोर्ट में जाने के लिए एसओपी बनाए जाए नई तरह से। कौन कौन आपकी सपोर्ट में है जैसे मैं यहाँ पर कोई
सांसद भी यहाँ पे आए हुए हैं। जी हाँ, हमारे इस आज के धरना पे असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा जी आया हुआ है, वो सांसद भी है राज्यसभा के। वो हमारे डिमांड को लेके पार्लियामेंट में भी बोलेगा। तीसरी बात ये, तीसरी डिमांड ये है, असम में डी वोटर नाम की एक कंपनी खोल के रखा है, ये कंपनी बंद करने के लिए हमारे एबीएमसी का डिमांड है। और बीटीसी एकॉर्ड जो हुआ था ये असंवैधानिक जैसा था, क्योंकि हिल्स एरिया में सिक्स शेड्यूल लागू होता है, प्लेन एरिया में बीटीसी बीएलटी ने असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में प्लेन एरिया में बीटीसी कर दिया। तो हमारा ये डिमांड है बीटीसी एकॉर्ड जो है उसको रिव्यू किया जाए। अच्छा, नहीं अगर आज की सरकार नहीं सुनती केंद्र और राज्य, उसके आगे फिर आप लोगों के क्या कदम होंगे? ना देखिए, अगर गणतंत्र की भाषा इस सरकार नहीं सुनते है तो हम अगणतांत्रिक काम काज करने के लिए बद्ध हो जाएंगे। तो अगले एक महीने के अंदर इस प्रॉब्लम का अगर कोई हल नहीं निकलता है, सोल्यूशन नहीं आता है, तो हम असम में जाके असम बंद जैसा कार्यसूची लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आज किसको ज्ञापन देंगे? तो आज हम मेमोरेंडम देने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और NRC को मैटर के लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम मेमोरेंडम देने वाले हैं। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.